एक सवाल जो कई लोगों के मन में उठता है, दजाल किसको कहते हैं? दजाल मसीह के अजाब का नाम है। इसकी एक आंख होगी और वो काना होगा, और इसकी पेशानी पर काफ अलिफ फारा यानी काफिर लिखा होगा। हर मुसलमान इसको पढ़ेगा, काफिर को नज़र ना आएगा। वो 40 दिन में तमाम रूहें ज़मीन में फिरेगा, मगर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में दाखिल ना हो सकेगा। इन 40 दिन में पहला दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा एक महीना के बराबर, तीसरा एक हफ्ता के बराबर, और बाकी दिन मामूल के दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और इसके साथ एक बाग और एक आग होगी, जिसका नाम वो जन्नत और दोजख रखेगा। जो इस पर ईमान लाएगा उसको वो अपनी जन्नत में डालेगा, जो हकीकत में आग होगी, और जो इसका इनकार करेगा उसको अपनी जहन्नम में दाखिल करेगा, जो वाकई में आसाइश की जगह होगी। बहुत से अजायब यानी कि अजीब व गरीब चीज़ें दिखाएगा। ज़मीन से सब्ज़ा उगाएगा, आसमान से मीं बरसाएगा, मुर्दे ज़िंदा करेगा। एक मोमिन साले इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और उनसे दज्जाल के सिपाही कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते? वो कहेंगे, मेरे रब के दलाल छुपे हुए नहीं हैं। फिर वे वो इनको पकड़ कर दज्जाल के पास ले जाएंगे। ये दज्जाल को देखकर फरमाएंगे, ऐ लोगो, ये वही दज्जाल है जिसका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। दज्जाल के हुक्म से उनको मारा पीटा जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा, क्या तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते? वो फरमाएंगे, तू मसीह कज़ाब है। दज्जाल के हुक्म से उनके जिस्म मुबारक सर से पांव तक चीर कर दो हिस्सों कर दिया जाएगा, और इन दोनों हिस्सों के दरमियान दज्जाल चलेगा। फिर कहेगा, उठ, तो वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़े होंगे। तब दज्जाल उनसे कहेगा कि तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो फरमाएंगे, मेरी बसीरत यानी कि बिनाई या अक्लमंदी और ज़्यादा हो गई है। ऐ लोगो, ये दज्जाल अब मेरे बाद किसी के साथ फिर ऐसा नहीं कर सकता। फिर दज्जाल उन्हें पकड़ कर ज़िबा करना चाहेगा और इस पर कोई कादिर ना हो सकेगा। फिर उनके दस्तों पा यानी कि हाथ पांव से पकड़ कर अपनी जहन्नम में डालेगा। लोग गुमान करेंगे कि उनको आग में डाला, मगर दर हकीकत वो आसाइश की जगह होंगी।